तो यहाँ हमारे घर के पास में गणेश जी का बहुत ही सुंदर पांडाल लगा हुआ है 11 दिन के लिए, तो हम बस वहीं दर्शन करने जा रहे हैं पापा के, और मैं ले जा रही हूँ लड्डू को और आसपास के बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का पांडाल लगा हुआ है। चलो पूरा घर फैला हुआ है हमारा, चलो चलो जल्दी चलो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हम अपने घर से निकलकर अपने नए वाले घर में आ गए हैं, क्योंकि ये जो साथ में मेरे दो बच्चे आए थे इन्होंने घर नहीं देखा था, तो वो बोल रहे थे कि दीदी हमें नया वाला घर दिखा दो। तो ये देखिए, ये मैं पहले पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ, ये सारा एंट्रेंस है, पार्किंग का एरिया है। और क्योंकि लाइट वाला हम पहले दे लाइट क्योंकि अभी रिसेंट ही लगी है, तो हमने शाम को घर नहीं देखा था कि लाइट लगने के बाद किस तरह से घर कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी अभी सारी लाइटें नहीं लगी हैं, जितनी भी लाइटें लगी हैं, तो वो यहाँ पर अभी भैया काम कर रहे थे लाइट वाले, तो हमने बोला कि भैया थोड़ी देर के लिए लाइट जला के हमें दिखा दो कि घर शाम को जब लाइट से जगमगाएगा तो कैसा लगेगा। ये देखिए भैया काम कर रहे हैं, अभी भी ये ओपन किचन है, तो अभी किचन में लाइट का काम चल रहा है। तो मैं भैया को वही बोल रही थी कि भैया प्लीज़ दिखा दीजिए। और ये देखिए मेरी कन्वर्सेशन है ना, वाइट में भी हो रहा है। और ये मैंने भैया से थोड़ी देर गप्पे मारी, उनसे पूछा कि और क्या क्या काम होना बाकी है लाइट का। और ये देखिए ये दोनों जो सिंक हैं वो लग चुके हैं किचन में, और अभी अभी किचन में लाइट लग रही है, लेकिन अभी किचन का पूरा काम लकड़ी का होना बाकी है, क्योंकि ये मॉड्यूलर किचन बनेगा, तो अभी इसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ अभी लाइट का ही काम चल रहा है। स्विच बोर्ड वगैरह भी जस्ट लगने स्टार्ट हुए हुए हैं। ये सब मैं पत्थर वगैरह देख रही थी कि वाइट कलर का पत्थर लग रहा है, कैसा कैसा लग रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। और ये हमने नीचे पत्थर लगाए हैं, इसके अंदर हम वुडन का काम करवाएंगे, यहाँ भी ये काम करते हुए। और ये देखिए लाइट लगने के बाद, अभी तो थोड़ी ही लाइट लगी है, जब थोड़ी लाइट लगने के बाद भी घर कितना अच्छा लग रहा है, कितना जगमगा रहा है। और क्योंकि सारा घर फैला हुआ है, सारे घर में सामान ही सामान फैला हुआ है, तो ये थोड़ा मैसी सा लग रहा है। और अभी जैसे जैसे घर कंप्लीट होता जाएगा, तो मैं घर के छोटे छोटे क्लिप्स आप सब लोगों से शेयर करती जाऊंगी। और बहुत ही अच्छा लग रहा है घर, अभी बस ऐसा लग रहा है कि हम फटाफट अपने घर में जल्दी से आ जाए। स्विचेस वगैरह भी लग रहे हैं। हाँ नहीं, तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर का वॉशरूम, जिस पे ये बच्चे पत्थर के ऊपर गंदगी की जो धूल जमी है उसमें कुछ कुछ लिख रहे हैं। और ये है वॉश बेसिन, जो अभी पूरी तरह से लगानी है, इसमें पाइप वगैरह की फिटिंग नहीं हुई है, लेकिन जब मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था तब ये नहीं लगा था, और इस वीडियो में ये लग चुका है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर रैक्स वगैरह बन चुकी हैं, और ऊपर जाके मैंने नहीं देखा, क्योंकि ऊपर मैं कल एक टूर दूंगी आप सब लोगों को कि ऊपर भी किस तरह के वॉश बेसिन लगे हैं, मुझे नहीं पता। और ये सब पानी की फिटिंग वगैरह के लिए, टंकी वगैरह की, टैप वगैरह की फिटिंग के लिए। और ये देखिए ये है मेरी मॉम का रूम, सारा देखा है तुम लोग, तीन रूम है, ये चलो अब पापा के दर्शन करने चलते हैं। चलो गणपति बप्पा मोरया, चलो मेरे ऊपर आ जा, यही पे लिया है पापा जी, भी रेडी करनी है। बंद करवा दे अंकल से, भैया बंद कर दो सारी लाइट, लाइट बंद कर दो, बाहर की भी जल रही है तो बाहर की भी बंद कर दो। अभी भैया बंद कर देंगे ना सारी लाइटें। अरे अभी वो कनेक्शन कर रहे हैं ना, हीरोइन जी आ गई भागो सारे। हेलो तेरा, देखो लड़ रहे हैं दोनों। अब तेरी मम्मी को बताऊंगी तुम लड़ रहे हो रोडों पे, रोडों पे लड़ते हुए बच्चे, लड्डू भागते हुए। धूप निकल रही है ना पूरे साथ में। कहाँ दिख रहा है? इधर से दिख रहा है, मेरी से।
इसमें सन कैप्चर नहीं हो रहा। ओए तुम यहाँ झूला झूलने आए हो कि वो करने आए हो? ये लड़की एक्सरसाइज करी, ये लड़की एक्सरसाइज करी, ये लड़का एक्सरसाइज। जिम कर रही है, जिम दिखाई, बोलियो एक घंटे जिम कर रही है, एक घंटे से जिम कर रही है, इतना पसीना आ गया। झूठ बोल रही है, सच है, झूठ। एक वो अलग बात है, मैं एक सेकंड है, मैं एक सेकंड पे एक घंटा मानते हैं। झूठी लड़की, झूठी लड़की है, फूटी लड़की, फूटा लड़का। और हम भी तीन एक्सरसाइज बैठी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम अपने हाथों की एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरे को सही कहां गिरी? और ये आ गए हैं हम पंडाल में गणपति बप्पा के। और जो कृष्णा है, जो बॉय हमारे साथ था, उसका नाम कृष्णा है, वो मेरा वीडियो बना रहा था कि दीदी मैं आप चलो और मैं आपका वीडियो शूट करूँगा। तो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही खूबसूरत गणपति बप्पा के हमें दर्शन हुए, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे, 6:30-6:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे। और जो आरती का टाइम था वो 7:30 बजे का बताया था हमें पंडित जी ने, जो सामने बैठे हुए हैं, तो उन्होंने हमें पास में बुलाया और हमारे तिलक लगाया उन्होंने, जो तिलक था वो ओम का तिलक लगाया था। तो उन्होंने जो भी अभी जो आ रहे थे पंडाल में, वो सबको बुला रहे थे और सबके तिलक लगा रहे थे। फिर उन्होंने सबको प्रसाद दिया जो भी उनके पास था, किसी को मोदक दिए, हमें लड्डू मिले, किसी को टॉफियाँ मिली। तो जैसा जैसा प्रसाद उनके हाथ में आता था तो वो प्रसाद दे रहे थे। और यहाँ पे मैं लड्डू को बोली कि चलो पहले, लड्डू बोले नहीं बुआ पहले आप चलो, उसे बहुत शर्म आती है कहीं पर भी जाने में। तो ये देखिए हमारे गणपति बप्पा, विघ्नकर्ता गणपति बप्पा। और मैं बस यही प्रे करती हूँ कि गणपति बप्पा आप जिस जगह आए हो, जहाँ पे आए हो, और जो भी आपके दर्शन के लिए आए हैं, आप सभी के दुख को हर लीजिए और सबको खुशी दीजिए, सबको सद्बुद्धि दे दीजिए, सबको सद्विद्या दीजिए, बस मेरी यही प्रे है। और उसके बाद में हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए, प्रसाद खाया और हम वापस अपने घर आ गए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।